तो फाइनली LFG यानी कि लूना फाउंडेशन का रिजर्व्स की कुछ ना कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं। हालांकि ये ऑफिशियल अकाउंट से नहीं आई है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं और बहुत सी ऐसी लैब्स हैं जो लगातार इस चीज को चेक कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं कि लूना के पास अभी क्या बचा है। तो अभी लूना के पास कुछ BTCs, BNB, AVAX, USDT, लूना बचे हैं जिसके द्वारा वो स्मॉल होल्डर्स को कंपनसेट करने वाले हैं। तो अगर आप भी लूना के या USDT के स्मॉल होल्डर हैं तो हो सकता है कि आपको भी जल्दी भरपाई मिल जाए। यानी कि जो भी लॉस हुआ है लूना अपनी तरफ से लॉस पूरा कवर करने के लिए तैयार है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारे र्यूमर्स भी चल रहे हैं लेकिन सच्चाई क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो मैं यहां आपको पूरी कहानी बताने की कोशिश करूंगा। मई 7, 2022 लूना फाउंडेशन के पास 80,000 से भी ज्यादा BTCs थे, करीब करीब 40,000 BNB, 26 मिलियन से भी ज्यादा USDT, 23 मिलियन से ज्यादा USDC और इसी के साथ करीब 2 मिलियन के आसपास AVAX कॉइन से। और अगर हम बात करें USDT, इनके पास करीब 7 लाख और जो लूना है वो 1.6 मिलियन थे। तो ये पूरा इनका एक डाटा है जो मई 7 को था, यानी कि जब से प्राइस नीचे गिरना या फिर अटैक होने से सब कुछ पहले बिल्कुल सही चल रहा था। तो जैसे USDT का प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू हुआ, यानी कि डॉलर से नीचे गिरना शुरू हुआ, तो इसी लूना के फाउंडेशन ने क्या किया कि जितने भी अमाउंट थे रिजर्व्स में उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया USDT में। और पैनिक तो तब क्रिएट हुआ जब LFG ने डायरेक्टली करीब 26 मिलियन से ज्यादा USDT और 23 मिलियन से ज्यादा USDC सीधा सीधा सेल कर दिए, जिससे इनके पास करीब 50 मिलियन USDT आ चुके थे, जो कि अगर तो डॉलर के बराबर होते तो वो 50 मिलियन डॉलर के बराबर होने थे, लेकिन USDT का प्राइस लगातार नीचे गिर रहा था। और इसी के साथ इन्होंने 52,000 से भी ज्यादा BTCs काउंटर पार्टी के साथ ट्रेड कर लिए। तो इसके बदले में अगेन इन्होंने 1.5 बिलियन USDT वापस लिए इस BTCs के बदले में। तो आप देख पा रहे हैं कि इनका मेन फोकस लगातार यही रहा कि किसी न किसी तरीके से USDT के रिजर्व्स को मेंटेन किया जाए, डॉलर्स का पैग मेंटेन किया जाए, जितने भी इनके रिजर्व से, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन्होंने पूरा अमाउंट निकाल के रिजर्व से USDT को हैंडल करने की कोशिश करी। तो आखिरी इन्होंने जो स्टेप उठाया था, जब तक ऑलरेडी मार्केट हिल चुकी थी, नीचे गिर चुकी थी, तब इन्होंने 33,000 BTC सेल किए जिसके बदले में इनको 1.1 बिलियन USDT मिले। तो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से लेन देन किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने 883 USDT लूना में कन्वर्ट कर दिए, जो बनते थे करीब 221 लूना। तो ये खासकर इसलिए किया गया ताकि गवर्नेंस अटैक ना हो इनके लूना के ऊपर, जिसकी वजह से लूना लगातार इंक्रीज होने शुरू हो गए। और तब तक ऑलरेडी लूना की वैल्यू भी नीचे गिर रही थी और इन्होंने अभी सप्लाई बढ़ाने का भी सोच लिया था। तो आज की अगर हम बात करें, इनके पास सिर्फ 313 BTCs अवेलेबल हैं, कुछ 40,000 BNB अवेलेबल हैं, 1.9 मिलियन AVAX हैं और 1.8 बिलियन USDT हैं। लूना की बात करें तो 222 मिलियन लूना है, जिनमें से 221 मिलियन करंटली स्टेक्ड हैं वैलिडेटर्स के पास। तो ये भी हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर वैलिडेटर्स के पास ही हैं, इनमें से बहुत ही छोटा अमाउंट रिजर्व में अभी पड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो लूना ने ऑलरेडी अनाउंस करी है, और ऐसा जो CZ बाइनेंस के हैं उन्होंने भी कहा है, इवन हर कोई ऐसी सजेशन दे रहा है, तो इन्होंने कहा है कि जो USDT इनके पास अभी बड़े हैं या फिर जो भी इनके पास रिजर्व्स पड़े हैं, उन्हीं रिजर्व्स को यूज़ करके जो भी स्मॉल होल्डर्स रहेंगे USDT के, उनको पे बैक करने जा रहे हैं। तो एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा LFG यानी कि लूना फाउंडेशन गार्ड के रिजर्व का, जहां डैशबोर्ड दिखाया गया, जहां सारी ट्रांजैक्शंस भी दिखाई गई हैं, इनका रिजर्व का अमाउंट कैसे ऊपर है नीचे हुआ और इनके पास टोटल रिजर्व बैलेंस अभी क्या बचा है वो सब कुछ दिखाया गया है। तो यहां रिजर्व बैलेंस देखे तो 70 मिलियन डॉलर के आसपास ही बचा है, जिसमें से 6.6 मिलियन तो टेरा है और 63 मिलियन करीब AVAX है। और जल्द ही जो LFG काउंसिल है 750 मिलियन डॉलर वर्थ का BTC का लोन लेने जा रहे हैं, ताकि वो USDT के पैक को बराबर कर पाएं, एक डॉलर के बराबर कर पाएं। और इसी के साथ वो 750 मिलियन USDT जो हैं उनको एज ए लोन देने जा रहे हैं, ताकि वो BTCs को एक्युमुलेट कर पाएं और जिससे क्या कि प्रोजेक्ट वापस से और स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमने ओवरऑल दो चीज़ें देखी हैं, एक तो यह कि जो स्मॉलेस्ट होल्डर्स हैं उनको पे बैक करना शुरू कर देगा टेरा, और इसी के साथ ये अपने जो रिजर्व्स हैं उनको और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने ही USDT को सेल ऑफ करके BTCs लाने की कोशिश करेंगे और लोन भी लेने जा रहे हैं। तो करीब 3-4 स्टेप्स ऐसे हैं जो ये लेने जा रहे हैं। और इसी के साथ उम्मीद ये भी है कि लूना 2.0 आ सकता है और USDT 2.0 आ सकता है, जिसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आपको मिलने वाली है। USDT तो फॉर श्योर एक डॉलर के बराबर हो जाएगा, लेकिन लूना के वापस आने में थोड़ा टाइम लग सकता है।
तो जिन लोगों ने ये देखा कि शायद ये अकाउंट ऑफिशियल नहीं है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि अकाउंट ऑफिशियल चाहे ना भी हो, लेकिन इस वक्त डायग्नोसिस हर जगह पे चल रहा है। इवन जो इनका डैशबोर्ड LFG का, वहाँ भी ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। और कल भी मैंने आपको एक चार्ट दिखाया, तो उस चार्ट के ऊपर सब कुछ बताया गया था कि इन्होंने कैसे अपने BTCs को मूव किया और सेल ऑफ कर दिया बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर, जिस कारण आज इनके पास सिर्फ 313 BTCs ही बचे हैं। और लेकिन अपने BTC के रिजर्व को बढ़ाने के लिए ये फिर से बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। तो जो डूओन है उनकी तरफ से जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट आएगा LFG BTC रिजर्व्स का, कि वो किस तरीके से यूज़ किया गया, वो भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियली लॉन्च होना अभी बाकी है। तो वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर दूंगा। वॉफिट ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन जरूर कर लेना टेलीग्राम के ऊपर, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने कल के दिन सुना था कि सिंगापुर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी करने जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ जो साउथ कोरिया है वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं एमरजेंसी रिव्यू लूना और USD क्रैश का। तो हर जगह से एनी हाउ किसी न किसी तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि UK गवर्नमेंट भी कंफर्म कर रहे हैं कि वो रेगुलेट करने जा रहे हैं स्टेबल कॉइन्स को, क्योंकि लूना और USD का कोलैप्स जब से देखा सभी कंट्रीज कोशिश यही कर रही हैं कि वो रेगुलेट भी कर दें और इन्वेस्टिगेट भी करें और इस मामले को किसी न किसी तरीके से सुलझाया जाए। और आपका क्या मानना है, अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉरफेयर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।